गैस वेब डेवलपमेंट के इस कोर्स में हम लोगों ने वेरिएबल और कस्टम प्रॉपर्टी देखा था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं आप लोगों को बताता हूँ क्यों, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी होने वाली है एनिमेशंस की, और एनिमेशन एक ऐसी चीज़ है जो किसी को भी एक्साइट कर सकती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से 36 वाली फाइल बनाएंगे, tut36.html, और जल्दी से बॉयलर प्लेट रखूँगा क्योंकि मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा है। की फ्रेम्स एंड एनिमेशंस आप लोगों के साथ शेयर करने में, और ये टेक्निक्स जो हैं जो मैं शेयर करने वाला हूँ अभी आपके साथ, आप लोग भी अप्रिशिएट करेंगे इस बात की, आपको गारंटी दे सकता हूँ। तो यहाँ पर देर ना करते हुए जल्दी से एक div डॉट कंटेनर बना लेंगे, और div डॉट मान लो मैं यहाँ पर बना देता हूँ बॉक्स, ठीक है, एक बॉक्स बना लिया, दिस इज अ बॉक्स लिख दिया मैंने, ठीक है। इसके अंदर अब यहाँ पर डॉट कंटेनर, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले कर देता हूँ उसकी फ्लैक्स, या फिर एक काम करता हूँ फ्लैक्स बॉक्स बनाने की ज़रूरत है नहीं वैसे, बढ़ गए ठीक है, देखते हैं कैसा जाता है ये। तो मैं क्या करूँगा, गो लाइव पे क्लिक करूँगा, और गो लाइव पे क्लिक करते ही मेरा ये यहाँ पर दिस इज अ बॉक्स आ गया। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी सी यहाँ पर इसको थोड़ी डिज़ाइनिंग देता हूँ, डॉट बॉक्स, और यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ बैकग्राउंड कलर, क्या दूँ, रेड दूँ, ग्रीन दे देता हूँ, ठीक है। और उसी के साथ साथ क्या कर सकता हूँ मैं, और इसको विड्थ दे सकता हूँ 250 की, और हाइट भी दे सकता हूँ क्या 250 पिक्सल की, जिसको 250 नहीं पता क्या होता है 250 होता है, क्योंकि ऐसे भी कमेंट्स आते हैं जिसमें लोग बोलते हैं कि हमें हिंदी में नहीं आता गिनती, तो इंग्लिश में 250 को 250 बोलते हैं, ठीक है चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको सेव करूँगा और आप लोगों को दिखाता हूँ ये बॉक्स कैसा दिख रहा है। कुछ खास नहीं, ये डब्बे की तरह ही दिख रहा है, और यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैक्स का कोई मतलब था नहीं, बट ठीक है यार चलता है। मैं एक काम करता हूँ, इसको बैकग्राउंड कलर ही दे देता हूँ, डिस्प्ले फ्लैक्स रहने देते हैं अभी, ठीक है, क्या दूँ ये येलो वाला जो कलर आया ये दे देता हूँ। और क्या हुआ कि जो इसका बैकग्राउंड था उसको येलो कलर मिल गया, और इसके अंदर एक डब्बा है, ठीक है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो मैं करूँगा क्या कि एक एनिमेशन बनाऊँगा और आप लोगों को एनिमेशन बना के दिखाऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगा, इसकी जो पोजीशन है उसको कर लूँगा रिलेटिव, ताकि मैं इसको मूव कर सकूँ पेज पे, ठीक है। अब यहाँ पर एनिमेशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले एनिमेशन नेम प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ती है। तो एनिमेशन नेम मैं इसका नाम रख दूंगा हैरी, ठीक है, हैरी वन रख दूंगा। तो हैरी वन नाम का मैंने एनिमेशन बनाया, हैरी वन क्यों लिखा मैंने इसका नाम, क्योंकि मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इसका नाम कुछ भी रखा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद आती है हमारे पास प्रॉपर्टी एनिमेशन ड्यूरेशन, कितनी देर चलेगा, मान लो 2 सेकंड्स में चलाना चाहता हूँ एनिमेशन को, ठीक है। कंट्रोल एंटर मार के मैं बिना एरो की दबाए दूसरी लाइन पे आ सकता हूँ, तो कंट्रोल एंटर का इस्तेमाल करें। उसी के साथ साथ एनिमेशन आइट्रेशन काउंट होता है, और इसमें क्या होता है, या तो आप कोई नंबर डाल सकते हैं जैसे 2, 3, 4, 5, उससे क्या होता है कि एनिमेशन कितनी बार चलेगा वो दिखाता है। तो एक काम करते हैं, ये हैरी वन जो एनिमेशन मैंने बनाया है इसको बना लेते हैं। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले एनिमेशन को ऐड करने के लिए सबसे पहले एनिमेशन का नाम देना पड़ता है, और उसके बाद उसको एक्चुअली में की फ्रेम की मदद से बनाना पड़ता है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ऐट द रेट और यहाँ पर की फ्रेम्स लिखूँ, और मैं यहाँ पर लिख दूँ हैरी वन, और उसी के साथ साथ मैं इसके अंदर घुसूँ, तो मुझे फ्रॉम और टू ये दो चीज़ें बनानी पड़ेंगी, ठीक है। तो मैं फ्रॉम से लेके टू तक जाऊँगा, मैं चाहता हूँ कि जो इसकी विड्थ है उसको 200 पिक्सल से, यानी कि जो इसकी विड्थ 200 पिक्सल है वहाँ से लेकर जाओ 400 पिक्सल तक, ठीक है। और यहाँ पर विड्थ मुझे लिखना था, सेव किया, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देना ताकि ये सब अच्छा अच्छा हो जाए। अब ये देखो मैंने इसको रिलोड किया, ये देखो इस तरह से ये चल रहा है, फ्रॉम 200 पिक्सल 400 पिक्सल तक इसकी विड्थ जा रही है। देखो यहाँ पर मैंने इसको रिलोड किया, एक दो, दो बार, तीन बार, तीन बार ये चला। क्यों चला तीन बार, क्योंकि मैंने एनिमेशन इटरेशन काउंट 3 किया था। तो एनिमेशन का नाम सबसे पहले हैरी वन दिया, उसके बाद ये की फ्रेम्स लगाए, और उसके बाद क्या किया मैंने, ड्यूरेशन दी 2 सेकंड, 1 सेकंड दूंगा तो थोड़ा फास्ट चलेगा, 10 सेकंड दूंगा तो फिर 10 सेकंड तक चलता ही रहेगा। देखो एक दो, बस दो बार चला, तीन बार चला हुआ, एक बार हमने मिस कर दिया, एक दो तीन, ठीक है। अब यहाँ पर तीन बार, अगर मैं इसको 30 बार कर दूँ तो ये गिनती के 30 बार चलेगा, चलता रहेगा 30 बार, लेकिन कभी कभी मैं चाहता हूँ कि ये चलता ही रहे, रुके ही ना। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, इसको चलाने के लिए आप यहाँ पर इनफाइनाइट लिख सकते हैं, और इनफाइनाइट लिखूंगा तो ये चलता रहेगा। देखो यहाँ पर ये चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर इसको 1 ना करके 0.1 सेकंड कर दूँ, सेव करूँ,
तो ये देखो बिल्कुल रॉकेट की स्पीड से चल रहा है ये एनिमेशन, तो इसको मैं थोड़ा स्लो कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा तेज़ जा रहा है क्योंकि इतना सही है, तो इसमें तड़तल तड़तल चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कभी कभी हमको स्क्रॉल बार्स वगैरह, सॉरी प्रोग्रेस बार वगैरह बनाने पड़ते हैं, तो आप ये एनिमेशन का यूज़ कर सकते हैं, जो स्क्रॉल बार आपकी जो प्रोग्रेस बार है उसको इस तरह से फिनिश करेंगे। ठीक है, तो प्रोग्रेस बार में ये चीज़ जो है यूज़ की जा सकती है। अब हमने इटरेशन काउंट देखा, फिल मोड हम लोग देखते हैं, ये फिल मोड क्या होता है। अब मैं यहाँ पर एनिमेशन फिल मोड, तो एनिमेशन फिल प्रॉपर्टी समझाने के लिए मैं क्या करूँगा, ये विड्थ को 1400 कर दूंगा, मैंने थोड़ी बड़ी कर दी है विड्थ। अब मैं अगर यहाँ पर फॉरवर्ड्स करता हूँ और इसको सेव करता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देखो मैं जैसे इसको रिलोड करूँगा तो एनिमेशन के बाद अटका रह जाएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं चाहता हूँ कि जो एनिमेशन का एंड रिजल्ट है, यानी कि जो टू के अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं वो अप्लाई रह जाएँ इसमें, तब मैं यहाँ पर एनिमेशन फिल्म मोड को फॉरवर्ड्स कर दूंगा। वरना अगर मैं इसको ऑल्टरनेट कर दूँ यहाँ पर देखो, तो क्या होगा, मेरा एनिमेशन जाकर ख़त्म हो जाएगा। उसी के साथ साथ मैं जो टाइमिंग फंक्शन है उसको चेंज कर सकता हूँ। तो एक एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर मैं या तो ईज इन लिख सकता हूँ, ईज आउट लिख सकता हूँ, या ईज इन आउट लिख सकता हूँ। ईज इन का मतलब शुरू में स्लो आएगा, देखो स्लो आया फिर एकदम से तेज़ हो गया। तो यहाँ पर मैं इसको ज़रा 2 सेकेंड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे कुछ होता हुआ। तो ये देखो शुरू में स्लो हुआ फिर बाद में तेज़ हो गया। ईज आउट में क्या होगा, उल्टा होगा। ईज आउट अगर मैंने इसको किया तो शुरू में फास्ट होगा फिर स्लो हो जाएगा। ठीक है, ईज इन आउट में क्या होगा, ईज इन आउट मैंने अगर किया इसको तो ये देखो शुरू में स्लो होगा, तेज जाएगा फिर स्लोली, मतलब चलते समय और रुकते समय। अब अगर आप इस तरह से ईज लिखेंगे तो सारी प्रॉपर्टीज आपको दिखा देगा। ठीक है, तो आई होप कि ये प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई। मेन क्या है, आपको एनिमेशन नेम डालना है, एनिमेशन ड्यूरेशन डालना है, काउंट डाल देना है और की फ्रेम्स डाल देना है इस तरह से, और ये सिंटैक्स को रट लो चाहो तो। वैसे तो इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाता है, एक बार आपने समझ लिया है कैसे काम कर रहा है तो आप लगा पाएंगे। बट अगेन मैं कहूँगा कि आप लोग जो है इसको अभी देख लें, इसको समझ लें कैसे काम कर रहा है, और समझ के फिर बाद में आपको रेफरेंस तो मिल ही जाएगा इंटरनेट से, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ जो है मिल जाती है। ठीक है, एक और हमारे पास होता है एनिमेशन डिले। मान लो 3 सेकेंड कर दिया मैंने, एनिमेशन डिले 3 सेकेंड का मतलब ये 3 की गिनती करेगा, 1 2 3, और 3 सेकेंड के बाद चालू होगा एनिमेशन। ठीक है, तो अगर कोई डिले रखना चाहते हैं स्टार्टिंग में आप, तो उतनी देर वेट करेगा एनिमेशन और उसके बाद चालू होगा। तो मैं हटा देता हूँ ये प्रॉपर्टी, बट अभी के लिए एनिमेशन डायरेक्शन आप लोगों को दिखाता हूँ। अब एनिमेशन डायरेक्शन में भी आपके पास क्या क्या है, फॉरवर्ड बैकवर्ड ऑल्टरनेट रिवर्स, ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट करके दिखाता हूँ पहले। तो ये देखो ऑल्टरनेट किया तो ये फॉरवर्ड की तरफ हो गया। अगर मैं यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से करूँगा तो मुझे और सजेस्ट कर रहा है प्रॉपर्टीज़। देखो अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ और सेव करूँ तो ये देखो उल्टा चलेगा मेरा एनिमेशन। ठीक है, सो गाइस यहाँ पर मैंने क्या किया था, जो हमारा बॉक्स है उसको मैंने उसकी विड्थ को बड़ा छोटा किया था हैरी वन नाम के एनिमेशन में। अब मान लो मैं एक दूसरा एनिमेशन बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखना चाहता हूँ हैरी टू, तो मुझे हैरी वन को हटाने की ज़रूरत नहीं है, मैं हैरी टू नाम का एक दूसरा एनिमेशन बना सकता हूँ और इसको एक दूसरे स्टाइल से बनाएंगे। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और सिंटेक्स दिखाना चाहता हूँ जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जिसमें हम लोग फ्रॉम और टू की जगह परसेंटेज यूज़ करेंगे। तो मैं कहूँगा कि जो मेरा एनिमेशन है जब 0% पूरा हो जाए तो ये करो, फिर उसके बाद जब मेरा 25% पूरा हो जाए एनिमेशन तो ये करो, फिर 75% मेरा एनिमेशन पूरा हो जाए तो ये करो, और ये जो नंबर्स हैं ये आप अपने पसंद से चुन सकते हैं। फिर एंड में हमारा 100% आ जाएगा। तो जैसे कि आपने यहाँ पर लिखा है 0, 25, 75, 100, आप उसी हिसाब से जो है लिख सकते हो। ठीक है, तो 0, 25, 75, 100 की जगह यहाँ पर 0, 40, 60, 100 भी हो सकता था, हमने यहाँ पर 25, 75, 100 चुन लिया है। अब देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने पोजीशन इसकी रिलेटिव करी हुई है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा टॉप जो है उसको कर दो, जब 0% हो तब क्या कर दो, टॉप लगा दो इसमें 0 और बॉटम सॉरी लेफ्ट लगा दो इसमें 0। ठीक है, 0 पिक्सल 0 पिक्सल। फिर जैसे ही 25% एनिमेशन पूरा हो जाए तो मैं कहूँगा टॉप लगा दो मान लो 250 पिक्सल, उसी के साथ साथ लेफ्ट लगा दो, क्या लेफ्ट लगा दो 0 पिक्सल। इससे क्या होगा, टॉप अगर मैं 250 कर दूंगा तो एकदम नीचे आ जाएगा, लेफ्ट 0 ही रहेगा। ठीक है, नीचे आएगा फिर मैं चाहता हूँ इधर को जाए राइट में, राइट में जाने के लिए क्या होना पड़ेगा, उसको टॉप को होना पड़ेगा 250 पिक्सल
और आप देखना ये एनिमेशन कैसे बन रहा है, ठीक है? बस इतना समझ लो कि जब 0% एनिमेशन पूरा होगा तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, 25% पूरा होगा तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, 75% वाले टाइम पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, और 100% वाले टाइम पर क्या चाहता हूँ मैं, 100% वाले टाइम पर मैं चाहता हूँ जो टॉप और हमारा ये है, ये किस तरह से हो जाए, टॉप हो जाए इस बार मेरा लेफ्ट हो जाए 0 और टॉप हो जाए मेरा 250। देखता हूँ कैसा बना है ये, ठीक है? तो मैं यहाँ पर हैरी 2 नाम से मुझे बनाना था, तो मैं देखता हूँ कैसा बना है, फिर बाद में मैं ठीक कर लूँगा। ये देखो ऐसा बना है, ये ऐसे गया ऊपर आ गया, ठीक है? तो सबसे पहले नीचे गया, ऐसे गया, फिर वापस पोजीशन पे आया, ऊपर आ गया। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ मैं किस तरह से इसको और इम्प्रूव कर सकता हूँ। मैंने 250 ज़ीरो किया, 0 250 करना था यहाँ पर, 100% पर 0 250 करना था मुझे, टॉप से 0 और उसके बाद लेफ्ट से 250। तो मैं अपने इस स्क्वायर को स्क्वायर में मूव करा सकता हूँ। ये देखो इधर गया पहले, नीचे आया, इधर आया, ऐसे आ गया, ठीक है? तो जब मेरा 0% एनिमेशन कंप्लीट हुआ था तब टॉप 0 था, लेफ्ट 0 था। 25% के टाइम में टॉप जो है वो 250 हो जाएगा, लेफ्ट 0 हो जाएगा। 75% के टाइम में टॉप क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा, लेफ्ट भी 250 हो जाएगा, यानी कि ये कुछ यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद मान लो मैं चाहता हूँ कि 100% पर मेरा टॉप 0 हो जाए और लेफ्ट मेरा क्या हो जाए, 250 हो जाए, तो क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये देखो मैं इसको ज़रा स्लो कर देता हूँ एनिमेशन को, जो टाइम है उसको 20 सेकेंड तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 सेकेंड कर देता हूँ, और देखते हैं किस तरह से मूव कर रहा है हमारा जो बॉक्स है। ये सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट ले रहा है, नीचे आया, इधर गया, फिर ऊपर जाएगा, ये देखो अब ये ऊपर जाएगा और उसके बाद रुक जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एनिमेशन मेरा, तो मैं देखता हूँ यहाँ से क्यों स्टार्ट हो रहा है एनिमेशन मेरा। अब यहाँ पर मैंने जो एनिमेशन डायरेक्शन है वो रिवर्स कर रखी है, ये हटा देता हूँ, और ये जो स्पेशल प्रॉपर्टीज़ मैंने सेट कर रखी है एनिमेशन की, ये भी मैं सारी की सारी हटा देता हूँ। तो ये भी मैं हटा देता हूँ, मैं अपने एनिमेशन को नॉर्मल रखना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को अगर एनिमेशन दिखाऊँ तो वो ऐसा दिखता है। सो जैसे ही मैंने ये सारी प्रॉपर्टीज़ हटाई, तब आप लोग देखो मेरा एनिमेशन कुछ इस तरह दिखता है, नीचे गया, इधर गया, फिर ऊपर जाएगा, और फिर उसके बाद क्या करेगा, ये इधर अपनी जगह पर वापस आ जाएगा, ठीक है? और इस तरह से आप लोग जो है एनिमेशंस को बना सकते हैं। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा टॉपिक आप लोगों को। अब हमारे पास एनिमेशन की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी होती है, यानी कि जो एनिमेशन है उसको मैं एक ही बार में सेट कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा एनिमेशन नेम, उसके बाद लिखा एनिमेशन ड्यूरेशन, एनिमेशन इटरेशन। तो ये जो जो भी चीज़ें मैंने लिखी, मैं क्या कर सकता हूँ, इनकी एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बना सकता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एनिमेशन नेम लिखूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा जो हमारा ड्यूरेशन है, एनिमेशन ड्यूरेशन, उसके बाद मैं लिखूँगा टाइमिंग फंक्शन, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूँगा हमारा जो डिले है, और डिले के बाद मैं आइट्रेशन काउंट लिखूंगा, और फिर उसके बाद फिल मोड लिखूंगा। तो एनिमेशन इटरेशन काउंट, फिर उसके बाद एनिमेशन फिल मोड, तो एक लाइन में हमारा काम जो है हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो हैरी, उसके बाद ड्यूरेशन मान लेते हैं 5 सेकेंड, फिर ईज इन आउट या फिर ईज इन, और उसके बाद 1 सेकेंड, उसके बाद मान लो मैंने 12 बार एनिमेशन चलाना है तो 12, और बैकवर्ड्स चलाना है तो बैकवर्ड्स। तो ये एक ही लाइन में ये सारी प्रॉपर्टीज सेट की जा सकती हैं, दीज प्रॉपर्टीज कैन बी सेट यूजिंग दिस शॉर्ट हैंड, ठीक है? आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, लेकिन एक लाइन में इस तरह से आप लिख सकते हो, ये भी वैलिड सिंटैक्स है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो एनिमेशन है, और आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा ये वीडियो बहुत ज़्यादा। आप अपने अपने ऑसम एनिमेशंस बनाओ, मैं आने वाले प्रोजेक्ट्स में आप लोगों को प्रैक्टिकल एनिमेशंस बनाकर दिखाऊंगा, ये जस्ट एक डेमोन्स्ट्रेशन था। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतने गए। अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं किया तो उसको ज़रूर एक्सेस करें, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क कर लें इस प्लेलिस्ट को, और यहाँ क्लिक करके सेव भी कर लें। अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियोस को लाइक भी करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।